आजमगढ़ मेहनतपुर वहाँ पार्क के ग्राम सभा शाहपुर में 20 फरवरी से चल रहा लगातार श्रीमद् भागवत कथा 26 फरवरी को हुआ समापन, जिसमें मुख्य यजमान सुरेंद्र सिंह के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन अयोध्या से आए हुए कथावाचक स्वामी राघवेंद्राचार्य जी महाराज के द्वारा किया गया। श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक जितेंद्र सिंह, योगेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, सत्येंद्र सिंह के आवास पर बड़ी से बड़ी संख्या में उपस्थित होकर भक्तों ने भागवत कथा को सुना और आरती भजन के साथ भागवत कथा का समापन किया गया। इस भागवत कथा के संचालन यशवंत सिंह के द्वारा किया गया। इस मौके पर एडवोकेट सतीश सिंह, प्रधान अजय सिंह, प्रधान संजय यादव, प्रधान डब्बू सिंह, प्रधान प्रतिनिधि राहुल सिंह, एडवोकेट सत्यदेव, एडवोकेट देवेंद्र, रामचंद्र राम, पुंडी राम, दिलीप राम, विशु सिंह, आशुतोष सिंह, आदित्य सिंह, दीपू सिंह, आशीष सिंह और ग्राम के सभी ग्रामवासी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पवन पूर्वी न्यूज, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। यमुना किनारे रास रचेगी यमुना किनारे भगवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भौमासुर के नगर की रक्षा एक पांच फन वाला मुरु नाम का राक्षस करता था। कन्हैया ने अपने चक्र से मुरु नामक राक्षस का वध किया, इसलिए कृष्ण का एक नाम मुरारी पड़ा। भौमासुर का भी वध किया, 16,100 कन्याओं को जेल से बाहर निकाला, आजाद किया। कन्याओं ने कहा, प्रभु हम कहाँ जाएं? अपने पिता के यहाँ जा नहीं सकते और कोई राजकुमार हमसे विवाह करेगा नहीं, तो हमारे लिए मरना ही श्रेयस्कर होगा, कहाँ जाएं? कन्हैया ने कहा, जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूँ। साथ 16,100 कन्याओं से एक ही मुहूर्त में कृष्ण ने विवाह किया। कितना विवाह हो गया कृष्ण का? 16,108 विवाह।